वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मैं आपके अपने किचन में जो आपको बनाना सिखा रही हूँ वो है सिंपल और इजी स्पेगेटी। अगर आपके पास चिकन ना हो तो आप बहुत आसानी से दो चीज़ों से भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी सब्जियाँ हो। अगर आपके पास शिमला मिर्च और गाजर रखी हो तो उससे आप बहुत आसानी से शिमला स्पेगेटी बना सकते हैं, क्योंकि शिमला मिर्च और गाजर तो होती है, तो उससे आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं आज आपको इसीलिए बहुत इजी और सिंपल रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। तो आइए चले देखते हैं कि हम आज इस स्पेगेटी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और ये कितनी जल्दी स्पेगेटी बन जाती है। सिंपल और इजी स्पेगेटी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये हमने आधा पैकेट जो है स्पेगेटी है इसको बॉयल कर लिया है ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो और जल्दी से स्पेगेटी बन जाए। एक टेबल स्पून चिल्ली गार्लिक सॉस लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं है। और एक टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, एक प्याली हमने ली है गाजर और एक प्याली ही हमने ली है शिमला मिर्च। इस तरीके से लंबे लंबा काट लिया है, गाजर को भी हमने इस तरीके से काट लिया है। और दो से चार लहसुन के जवे लिए हैं जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब हमें और दो टेबल स्पून हम लेंगे ऑयल इसको पकाने के लिए। दो टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है, इसमें हम डालेंगे लहसुन। लहसुन को हल्का सा वो चलिए फ्राई करेंगे, बस हल्की सी इसमें खुशबू आने लगे। लहसुन को गोल्डन नहीं करेंगे, सिर्फ फ्राई करेंगे। और फिर इसमें डालेंगे हम सब्जियां जो हमने दोनों ली थी शिमला मिर्च और गाजर। सब्जियां हल्की सी फ्राई हो गई हैं, अब हम इसमें कुटी मिर्चें, नमक और भुना कुटा ज़ीरा डाल देंगे। और ये चिल्ली गार्लिक ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालें, नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम कुटी मिर्चें डाल रहे हैं तो उससे वैसे ही इसका टेस्ट आ जाएगा। सब्जियां हमारी हल्की फ्राई हो चुकी हैं, तकरीबन गल भी चुकी हैं। हमने 5 मिनट तक इसको भुना था ताकि ये सब्जियां गल जाएं। अब हम जो है इसमें स्पेगेटी डालेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपके पास चिकन हो तो आप चिकन में ही बनाएं, चिकन ना भी हो तो आप बगैर चिकन के भी बना सकते हैं। मैंने स्पेगेटी भी इसमें डाल दी है और इसको इस तरीके से, मेरे पास स्पून दो नहीं थे तो मैंने एक ये वाला स्पून ले लिया स्पेगेटी वाला और एक ये फोक ले लिया। इससे इस तरीके से मिक्स करेंगे, इससे मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। देख लें आप कि सारे मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरीके से, सब्जियाँ भी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। बहुत अच्छा जो है कलर इसका आ रहा है, आप देख रहे हैं इसमें कितना अच्छा कलर लग रहा है। और ये बहुत ही मज़े की बनी है। मैं आपको इसको, मैंने बस इसको 2 से 5 मिनट तक पकाया है, पूरी जो प्रोसेस है इसका 2 से 5 मिनट तक है। उस 5 मिनट में ये हमारी स्पेगेटी जो है सिंपल और इजी स्पेगेटी बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी, क्योंकि मसाला भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। स्पेगेटी जो है मैंने 4 से 5 मिनट तक पकाई है, 4 से 5 मिनट में बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल स्पेगेटी बन चुकी है, बेइंतहा अच्छी और मज़े की बनी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अपने फैमिली फ्रेंड्स में और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखें। और मुझे इजाज़त दीजिए आप, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी रेसिपियाँ बनाना सिखा सकूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।